आज मैं आपको जिस कानून के बारे में बताने वाली हूँ वो बच्चों पे हो रहे यौन उत्पीड़न से निपटने के लिए लाया गया था। द प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट 2012 या फिर लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012, जिसे पॉक्सो एक्ट 2012 भी कहा जाता है। ये कानून बच्चों को यानी 18 साल से कम उम्र के लड़के और लड़कियों को लैंगिक उत्पीड़न और हमले से बचाने और ऐसे जघन्य अपराध करने वालों के खिलाफ उचित और तत्परता से सजा दिलाने के इरादे से लाया गया था। इस कानून के मुताबिक लैंगिक हमले और प्रवेशन लैंगिक हमले को किस प्रकार परिभाषित किया गया है, आइए वो समझ लेते हैं। लैंगिक हमला तब होता है जब कोई भी व्यक्ति बच्चे के गुप्तांग को लैंगिक इरादे से छूता है या बच्चे से या किसी और व्यक्ति से ऐसा करवाता है। ये अपराध साबित होने पर अपराधी के लिए कानून में 3 साल से 5 साल की सजा और जुर्माने का प्रावधान किया गया है। और प्रवेशन लैंगिक हमला तब होता है जब कोई भी व्यक्ति किसी बच्चे के गुप्तांग में कहीं भी अपने गुप्तांग या अन्य अंग या फिर किसी वस्तु का प्रवेश कराता है या फिर किसी और व्यक्ति से ऐसा करवाता है। ऐसा अपराध साबित होने पर अपराध करने वाले व्यक्ति के खिलाफ 10 साल से आजीवन कारावास की सजा और जुर्माने का प्रावधान किया गया है। ये कानून 18 वर्ष तक की उम्र के बच्चों की सुरक्षा के लिए लाया गया था, लेकिन अगर कोई व्यक्ति 16 साल से कम उम्र के बच्चों पर ऐसा हमला करते पाया जाता है तो ऐसे में और भी सख्त सजा का प्रावधान किया गया है। ऐसे हमले के लिए अपराध करने वाले व्यक्ति के खिलाफ 20 साल से लेकर आजीवन कारावास और जुर्माने का प्रावधान है। अगर कोई पुलिस अधिकारी या सशस्त्र बल या सुरक्षा बल के सदस्य, पब्लिक सर्वेंट, किसी जेल या सुरक्षा घर, संरक्षण घर के कर्मचारी या फिर ऐसा व्यक्ति जो बच्चे के साथ उसके घर पर रहता है या रिश्तेदार है और प्रवेशन लैंगिक हमला करता है, या कोई व्यक्ति ऐसा करते हुए किसी बच्चे को शारीरिक या मानसिक रूप से क्षति करता है या फायदा उठाता है, तो ऐसे में कानून के तहत ऐसे अपराधियों के लिए 20 साल से आजीवन कारावास तक की सजा और जुर्माने या मृत्युदंड का भी प्रावधान है। यदि इन्हीं में से कोई व्यक्ति किसी बच्चे पर लैंगिक हमला करता है तो ऐसे में उस व्यक्ति के लिए 5 से 7 साल की सजा और जुर्माने का प्रावधान किया गया है। सरल भाषा में कहूं तो उन अपराधियों का अपराध और भी बड़ा माना गया है जिन पर विक्टिम को प्रोटेक्ट करने की जिम्मेदारी थी। बच्चों पर किया गया लैंगिक उत्पीड़न या सेक्सुअल हैरेसमेंट भी इस कानून के दायरे में आता है। कोई भी व्यक्ति किसी बच्चे को यदि लैंगिक मंशा से कुछ कहता है या शरीर के भाग दिखाता है या बच्चे से उसके शरीर के किसी भाग को प्रदर्शित करवाता है या उसका पीछा करता है या उस बच्चे के शरीर के भाग को मीडिया में इस्तेमाल करने की धमकी देता है, तो उसके लिए भी 3 साल तक की सजा और जुर्माने का प्रावधान है। अगर कोई व्यक्ति किसी बच्चे के यौन अंगों को या किसी बच्चे को अशिष्ट रूप से किसी मीडिया में यूज करता है तो ऐसा करते हुए अगर वो पहली बार पकड़ा जाए तो उसे 5 साल तक की सजा और जुर्माना भरना पड़ सकता है। वहीं दूसरी बार पकड़े जाने पर 7 साल तक की सजा और जुर्माने का प्रावधान है। वहीं अगर कोई व्यक्ति किसी बच्चे की अश्लील सामग्री को स्टोर करता है तो उसके लिए पहली बार पकड़े जाने पर 5,000 रुपए का जुर्माना और दूसरी बार पकड़े जाने पर 10,000 रुपए के जुर्माने का प्रावधान है। अगर कोई व्यक्ति बच्चे की अश्लील सामग्री को प्रचार या प्रसार या प्रदर्शन के लिए उपयोग करता हुआ पाया जाता है तो उसके लिए 3 साल तक की सजा या जुर्माने या दोनों का प्रावधान है। कोई भी व्यक्ति किसी कमर्शियल पर्पस या वाणिज्य प्रयोजन के लिए ऐसी अश्लील सामग्री का प्रयोग करता है तो उसके लिए पहली बार पकड़े जाने पर 3 साल से 5 साल तक की सजा और जुर्माने दोनों का प्रावधान है और दूसरी बार पकड़े जाने पर 5 साल से 7 साल तक की सजा और जुर्माने का प्रावधान किया गया है। इस कानून के अंतर्गत अगर कोई व्यक्ति किसी अपराध को करने की कोशिश करता है और पकड़ा जाता है तो ऐसे में उसे अपराध करने पर मिलने वाली जो अधिकतम सजा है उस सजा की आधी अवधि तक सजा सुनाई जा सकती है।
सरल भाषा में समझाऊं तो मान लीजिए कि अगर सेक्सुअल हैरेसमेंट की अधिकतम सजा 3 साल है, तो सेक्सुअल हैरेसमेंट की कोशिश करते हुए पकड़े जाने की सजा 1 साल और 6 महीना हो जाएगी। तो यहाँ मैंने जानकारी दी कि पॉक्सो के तहत अपराध के दायरे में क्या आता है, लेकिन अगर ऐसा कोई भी अपराध होता है तो क्या किया जाना चाहिए, शिकायत कैसे दर्ज होगी और कहाँ होगी। इस कानून के अंतर्गत विक्टिम अपने पेरेंट्स या गार्डियन की सहायता से कंप्लेंट दर्ज कर न्याय की मांग कर सकता है। अगर विक्टिम खुद रिपोर्ट दर्ज करवाती है तो उसकी स्टेटमेंट को सिंपल भाषा में रिकॉर्ड करना होगा, और अगर विक्टिम को भाषा समझ ना आए तो ट्रांसलेटर की सहायता लेना आवश्यक है। स्टेटमेंट लेते समय अगर लोकल पुलिस या स्पेशल जुवेनाइल पुलिस को ऐसा प्रतीत हो कि विक्टिम को केयर और प्रोटेक्शन की जरूरत है, तो उन कारणों को लिखित में रिकॉर्ड करके विक्टिम को नजदीकी शेल्टर होम या हॉस्पिटल में एडमिट करवाया जाता है। इस कानून के अंतर्गत ऐसे किसी अपराध से जुड़ी हुई कोई जानकारी हो या ये जानकारी हो कि ऐसा अपराध होने वाला है, तो कोई भी व्यक्ति बिना डरे स्पेशल जुवेनाइल पुलिस यूनिट या लोकल पुलिस में रिपोर्ट लिखवा सकता है। चाइल्ड प्रोटेक्शन के लिए जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स तय किए गए हैं उनको ध्यान में रखते हुए इस कानून में एक बहुत अहम प्रावधान भी डाला गया है, जिसके तहत अगर किसी व्यक्ति को ऐसी जानकारी हो और वो इस अपराध को रिपोर्ट करने में असफल होता है, तो ऐसे में ऐसे व्यक्ति के खिलाफ भी 6 महीने तक की सजा और जुर्माने दोनों का कानूनन प्रावधान किया गया है। अगर कोई व्यक्ति गलत शिकायत या जानकारी देता है तो ऐसे में उस व्यक्ति या महिला के खिलाफ भी 6 महीने तक की सजा और जुर्माने और दोनों का प्रावधान है। ऐसे में अगर बच्चे से भी पूछताछ या उसका स्टेटमेंट लिया जाता है, तो ऐसे मामले की शिकायत आने पर बच्चे की स्टेटमेंट उसके घर पर या उसके चुने गए स्थान पर ली जानी चाहिए। स्टेटमेंट रिकॉर्ड करते समय पुलिस अधिकारी वर्दी में नहीं होना चाहिए, और बच्चे को रात के समय किसी भी कारण पुलिस स्टेशन में नहीं रखा जा सकता। मैजिस्ट्रेट या पुलिस अधिकारी कोई भी बच्चे के स्टेटमेंट को बच्चे के माता पिता या किसी ऐसे व्यक्ति जिस पर बच्चे को भरोसा हो उसके सामने रिकॉर्ड कर सकता है। अगर कोई बच्चा मानसिक या शारीरिक रूप से कमजोर है, तो उनके लिए मैजिस्ट्रेट या पुलिस अधिकारी विशेष शिक्षक या ऐसा व्यक्ति जो उस क्षेत्र का विशेषज्ञ हो उसकी सहायता से स्टेटमेंट रिकॉर्ड कर सकते हैं। मैजिस्ट्रेट या पुलिस अधिकारी को ये भी सुनिश्चित करना होगा कि स्टेटमेंट का ऑडियो और वीडियो भी हो। अगर किसी बच्चे पर कोई अपराध हुआ है तो इस कानून के अंदर मेडिकल एग्जामिनेशन का भी प्रावधान है। वहीं ये एग्जामिनेशन अगर किसी लड़की का होना है तो महिला डॉक्टर ही कर सकती है, और ये एग्जामिनेशन माता पिता या बच्चा जिस पर भरोसा करता हो उसी के सामने किए जाने का प्रावधान है। पुलिस अधिकारी को ये भी सुनिश्चित करना होगा कि बच्चे की पहचान पब्लिक मीडिया में ना जाए जब तक स्पेशल कोर्ट द्वारा इसके लिए कोई आदेश न दिया गया हो। यहाँ मीडिया या सोशल मीडिया से जुड़े लोगों के लिए भी एक हिदायत देती चलूं कि कोई भी व्यक्ति किसी मीडिया के द्वारा किसी बच्चे पर रिपोर्ट बनाता है या कमेंट करता है या उस बच्चे की पहचान, नाम, पता या परिवार के बारे में बताता है, उसके लिए भी 6 महीने से 1 साल तक की सजा और जुर्माने या दोनों का प्रावधान कानून के तहत किया गया है। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने 2013 में इस कानून के लिए मॉडल गाइडलाइंस बनाई थी, जिसमें बच्चे से किस प्रकार सवाल किए जाएंगे, उसे मनोवैज्ञानिक और चिकित्सा संबंधी सपोर्ट किस प्रकार दी जानी चाहिए, और साथ ही किस प्रकार विक्टिम और उसके परिवार के लिए कानूनी लड़ाई को सहज और वेदनाहीन किया जा सके। ऐसे मामले सामने आने पर बच्चों से किस प्रकार सवाल किए जाने चाहिए और किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, इसके लिए महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने गाइडलाइंस भी जारी किए हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा, और अगर आपके भी कुछ कानून से जुड़े सवाल हैं तो जरूर लिखिएगा कमेंट बॉक्स में, और जुड़े रहिए बीबीसी हिंदी से।